कराया जाए, पूरी तरीके से एक रूट को बंद कराया जाता है। लेकिन उसके बाद हरकतें कर रही है, कांग्रेस के अकाउंट सील किए जाते हैं, हेमंत सोरेन जी को उठाया जाता है। आज दिल्ली के अंदर भी टाइमिंग देखिए आप, किस टाइमिंग के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, जब चुनाव शुरू हो गए हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एजेंसीज का मिसयूज जो है वो शर्मनाक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की हरकतों से, चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट सीज करने की बात रही हो या जो है इस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है और इन बातों की वजह से हम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आप पार्टी हमारी गठबंधन की पार्टनर है, हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये जताने के लिए आज सुभाष चोपड़ा जी, संदीप दीक्षित जी, हम तीनों कांग्रेस की तरफ से आए हैं और निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ अपने गठबंधन के साथी के साथ खड़े हैं। अपने गठबंधन के साथी के साथ खड़े हुए हैं अरविंदर लवली कह रहे हैं, सुभाष चोपड़ा साथ में आए हैं, संदीप दीक्षित यहां पहुंचे हुए हैं। और देखिए, ये वो उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनके साथ खास तौर से दुश्मनी की बातें करके आम आदमी पार्टी, एक्चुअली आम आदमी पार्टी बनी थी। ये बात और है कि धीरे धीरे कुर्बतें बढ़ती गईं और अब स्थिति ये है कि गठबंधन में साथी हैं और यहाँ साथ में सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए यहाँ पर। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें, यहाँ पर गाड़ी एक पहले निकली थी, वो जाहिर है एक दूसरी गाड़ी थी, और यहाँ ये उसके बाद में निकलती हुई गाड़ी, और शायद ये भी एक बार जाकर उस रूट की टोह लेकर वापस आने वाली है जहां से लेकर अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस जाया जाने वाला है। तो पहले एक गाड़ी निकली है, दूसरी गाड़ी निकल रही है, एक बार रूट क्लियर होने को लेकर, आश्वस्त होने के बाद ऑफिसर्स यहां से लेकर अरविंद केजरीवाल को निकलेंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। यहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं अरविंदर, और फिर देख रहे हैं आप कांग्रेस, और इससे पहले आम आदमी पार्टी ने खुद भी ये कहा कि हमको बड़े नेताओं का साथ मिलने वाला है, कांग्रेस के भी बड़े नेताओं का साथ मिलने वाला है, गठबंधन के साथ ही आएंगे हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए साथ में। और यहाँ पर ये अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से नेता पहुंचकर ये कह रहे हैं कि वो हमारे खाते सीज किए जाने वाली बात हो या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाना, ये तानाशाही है और हम इसके खिलाफ गठबंधन के साथियों के साथ सॉलिडरिटी दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब ये देखते हैं कि कितनी देर बाद, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 10:30 के आसपास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग इनको लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर यहां से ईडी ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन अभी तक वो गाड़ी यहां से रवाना नहीं हुई है। 10:32, आप संदीप दीक्षित सुनिए। आप सवेरे आते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद आप करें, इसका क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। देखिए, कोर्ट ही जा सकते हैं, ये थोड़ी है भाई कि आप किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव के पहले गला थोड़ी घोंट सकते हैं। आप चुनाव लड़िए, आपको लगता है आपको पुलकित नागर के पास कोई अपडेट है, पहले उधर चलते हैं। आइए पुलकित के पास चलें, पुलकित बोलिए।